बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार के जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, अलग अलग विश्वविद्यालय में इस साल जो 2020 की पार्ट थ्री की परीक्षाएं अभी जो बची हुई थी, विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू की है और पार्ट थ्री की परीक्षा फॉर्म भर रही है। इस बीच में अलग अलग विश्वविद्यालय से कई छात्रों के ये सवाल आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि जिनके पार्ट वन और पार्ट टू क्लियर नहीं है वो भी पार्ट थ्री की परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन ये होगा कि आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा। तो ये सवाल आ रहे हैं काफ़ी कि अंडरटेकिंग फॉर्म होता क्या है, इसका मतलब क्या है और उस फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरी जाती है। पार्ट वन और पार्ट टू वालों के ये भी सवाल आ रहे हैं। वो लोग भी सवाल कर रहे हैं कि क्या पार्ट वन में भी इसका काम होता है या पार्ट टू में भी इसका काम होता है, बताने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंडरटेकिंग फॉर्म कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे कब लेती है, किस लिए लेती है और आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी होती है। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं पार्ट वन और पार्ट टू वाले स्टूडेंट के लिए कि आपको है पार्ट वन और पार्ट टू वाले आप तमाम छात्रों को अंडरटेकिंग फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी और पार्ट वन और पार्ट टू में नहीं होती है। पार्ट थ्री में इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि रूल के अनुसार, यूनिवर्सिटी रूल के अनुसार यदि किसी के पार्ट वन या पार्ट टू क्लियर नहीं है या पार्ट वन का रिज़ल्ट या पार्ट टू का रिज़ल्ट किसी न किसी कारणवश यूनिवर्सिटी में फंसा हुआ है तो यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग का फॉर्म छात्रों से भरवा करके, यानी बिना पार्ट वन या पार्ट टू क्लियर किए हुए भी इस कंडीशन के साथ वो छात्र पार्ट थ्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यह फॉर्म का जो ज़रूरत पड़ता है सिर्फ पार्ट थ्री में ही पड़ता है, पार्ट वन और पार्ट टू में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंडरटेकिंग फॉर्म इसलिए आपसे फिलअप करवाई जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे ये प्रॉमिस करवाती है, इसको हम प्रॉमिस लेटर भी कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी ये आपसे कहती है सपोज़ 2020 में आपको पार्ट थ्री का एग्ज़ाम देना है लेकिन अभी भी आपका पार्ट वन या पार्ट टू दोनों क्लियर नहीं है या दोनों में से कोई एक क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपसे ये प्रॉमिस करवाती है कि ठीक है 2020 की पार्ट थ्री की एग्ज़ाम तो हम आपको देने देंगे लेकिन जो 2020 की पार्ट वन और पार्ट टू की एग्ज़ामिनेशन जो अलग अलग सेशन के हैं वो बचे हुए हैं, यदि आप उसके साथ एग्ज़ाम देते हैं जो भी आपका प्रमोटेड है या पेंडिंग है, जो भी आपका एग्ज़ाम पार्ट वन हो पार्ट टू हो दोनों में से कोई एक या दोनों, वो यदि 2020 के ही पार्ट वन के छात्रों के साथ या पार्ट टू के छात्रों के साथ आप एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में यदि आप पास कर जाते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा पार्ट थ्री का वो मान्य होगा, लेकिन यदि आपका फिर से फंस जाता है पार्ट वन या पार्ट टू का एग्ज़ाम तो जो आपका रिज़ल्ट होगा पार्ट थ्री का वह पूरी तरह से मतलब कि ब्लैंक अनाउंस किया जाएगा और इसकी जवाबदेही यूनिवर्सिटी नहीं होगी, छात्र खुद होंगे, इसलिए यह प्रॉमिस लेटर आपसे फिलअप करवाया जाता है। अंडरटेकिंग फॉर्म वही छात्र भर सकते हैं पार्ट वन पार्ट टू जिनके प्रमोटेड हो, वो छात्र जो इससे पहले जो पार्ट वन या पार्ट टू की एग्ज़ाम हुई हो उसमें वो छात्र अपीयर रहा हो, उसमें प्रमोटेड रहा हो या उनका रिजल्ट उसमें पेंडिंग आ गया हो, सपोज 2018 में जिन्होंने पार्ट वन की एग्ज़ाम दी उनका क्लियर नहीं हुआ और 2020 में वो फिर से पार्ट वन का एग्ज़ाम दे करके क्लियर करना चाहते हैं, तो यदि आपने 18 में भी एग्ज़ाम दी और 19 में भी एग्ज़ाम दी तभी जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और पार्ट थ्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं और साथ ही आने वाले जो 20 में जो पार्ट वन का एग्ज़ाम होना है वो आप उनके साथ पार्ट वन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप पार्ट थ्री का एग्ज़ाम इस साल देना चाहते हैं लेकिन आपने 18 में ही पार्ट वन का एग्ज़ाम दिया था, 19 में पार्ट वन का एग्ज़ाम हुआ लेकिन आपने नहीं दिया, तो फिर आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशंस दिए गए हैं। तो पार्ट वन और पार्ट टू वालों के लिए सेम रूल है, किसी एक का प्रमोटेड हो या पेंडिंग हो तब या दोनों प्रमोटेड हो या पेंडिंग हो तब वो यूनिवर्सिटी तय करती है कि दोनों प्रमोटेड या पेंडिंग है तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या कोई एक ही प्रमोटेड है या पेंडिंग है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल बिहार यूनिवर्सिटी दोनों आपके प्रमोटेड है पार्ट वन या पार्ट टू, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरी फॉर्म यही है, आप देख पा रहे हैं। इसमें भरना क्या होता है, सबसे पहले ऊपर आपको देना होता है आई के बाद आपका नाम, जो भी कैंडिडेट होता है उसका नाम देना पड़ता है, उसके बाद सन ऑफ या डॉटर, यदि आप गर्ल है तो आप यहाँ पर डॉटर ऑफ पर टिक करेंगे और अपने पिताश्री का नाम लिखेंगे, लेकिन यदि आप बॉय है तो आप सन ऑफ पर टिक करेंगे और अपने पिताश्री का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके साथ ही आप यहाँ पर कहा जाता है आपसे कि आप स्टूडेंट पार्ट थ्री के हैं
क्योंकि पार्ट थ्री में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप किस सेशन के स्टूडेंट हैं आप यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। आप देख पा रहे हैं पार्ट थ्री सेशन के बाद यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद से ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज आपका एडमिशन किस कॉलेज में है, कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर दैट आई हैव पास या प्रमोटेड या पेंडिंग इन जीडीसी पार्ट वन एग्जामिनेशन ऑफ सेशन, आपने पार्ट वन आपका जो है यदि प्रमोटेड है तो प्रमोटेड पर आप टिक लगाते हैं, आप लगाएंगे यदि फॉर्म भरेंगे तो। उसके बाद किस सेशन में आप प्रमोट हुए वो आपको यहाँ पर बता देनी है। यदि आप पास हैं तो पास पर टिक लगाएंगे। सिर्फ आपका पार्ट टू ही प्रमोटेड है या पेंडिंग है इसलिए भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो पार्ट वन को आपको यहाँ पर जनाना होगा कि हाँ मेरा पार्ट वन क्लियर है। तो पार्ट वन पास होगा तो पास पर आप टिक कर देंगे और किस सेशन में आपने पार्ट वन की परीक्षा पास की वो आप बताएंगे। प्रमोटेड है तो प्रमोटेड पर टिक करेंगे और यहाँ पर सेशन मेंशन करेंगे। उसी तरह से पेंडिंग है तो पेंडिंग पर टिक करेंगे और सेशन मेंशन करेंगे कि किस ईयर में आपने एग्जाम दी थी जो अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद से दैट माई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज आपका क्या ऑनर्स है या सब्सिडरी है वो पेपर या आप जनरल वाले स्टूडेंट हैं आपको यहाँ पर मेंशन करनी है सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद से तीसरे नंबर पर अब यहाँ पर आपको पार्ट टू की जानकारी देनी है कि पार्ट टू आपका पास है या नहीं है। आप देख पा रहे हैं दैट आई हैव पास या प्रमोटेड पेंडिंग जो कॉलम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से ऑब्लिक के बाद है इंटरव्यू पार्ट टू एग्जामिनेशन आप पास है या प्रमोटेड, वही डिटेल्स आपको पार्ट टू का भी देना है। कौन से सेशन में आपने पास किया, कौन से सेशन में प्रमोट हुए, कौन से सेशन में आपके जो पार्ट टू का रिजल्ट है वो पेंडिंग है। उसी तरह से यहाँ पर आपको बतानी है कि दैट आई हैव अपीयर इन टीडीसी पार्ट वन एग्जामिनेशन 2019 इन सब्जेक्ट। यदि आपका पार्ट वन अभी तक के क्लियर नहीं तो आपको यहाँ पर बताना होगा फोर्थ नंबर में कि हमने पार्ट वन का एग्ज़ाम जो इससे पहले हुआ था, सपोज 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में पार्ट वन वाले का एग्ज़ाम बिहार यूनिवर्सिटी में अभी नहीं हुआ है तो आपको बताना होगा कि हाँ 2019 में जो पार्ट वन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम अपीयर थे, रिजल्ट फंसा हुआ है या पेंडिंग है यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद इसके साथ आपको अटैच करनी है, आप देख पा रहे हैं दैट माय एडमिट कार्ड ऑफ टीडीसी पार्ट वन 2018 एंड 2019 एंड द मार्कशीट ऑफ प्रमोटेड रिजल्ट इज अटैच्ड हियर विद। आपको थ्री टाइम्स मौका दिया जाता है पार्ट वन या पार्ट टू एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। यदि आप तीन मरतबा में पार्ट वन या पार्ट टू क्लियर नहीं कर पाते हैं तब आपका एडमिशन और रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको यदि 2018 में आपने पार्ट वन की एग्ज़ाम दी थी और क्लियर नहीं हुआ था तो उसका भी आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का फ़ोटो स्टेट लगाना होगा। 19 में भी दी थी और अब तक के क्लियर नहीं हुआ है तो उसका भी फ़ोटो स्टेट एडमिट कार्ड का एवं मार्कशीट का दोनों का यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद से छः नंबर में ये कहता है कि दैट आई अंडरटेक दैट माई रिजल्ट ऑफ टीडीसी पार्ट थ्री एग्जामिनेशन 2020 जिस भी ईयर में एग्ज़ाम होने वाली है, यदि 20 में होने वाली है तो 2020 की जो एग्जामिनेशन होगी वो विल बी डिक्लेयर्ड नल या अवॉइड इफ़ आई डू नॉट क्लियर टीडीसी पार्ट वन एंड पार्ट टू एग्जामिनेशन 2019। यहाँ पर आपको ये प्रॉमिस करना पड़ता है कि 2020 का जो होगा पार्ट थ्री का एग्ज़ाम वह नुल या पूरी तरह से कहे तो वैल्यूएबल नहीं मानी जाएगी या पूरी तरह से उसको डिक्लेयर ही नहीं किया जाएगा। यदि आपका पार्ट वन या पार्ट टू दोनों को ही फंसा हुआ है पिछले ईयर का, यदि वो इस साल क्लियर नहीं होता है तो यही है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म और यही इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी करना होता है जो भी कैंडिडेट ये फिलअप करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है और कौन कौन छात्र कब कब इसको भर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।